जीत गया। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि इंडिया जीत गई। देखो जी आसा तो मालक दे गड़ी इहो ही हथ जोड़ रहे हैं। देखो गोल्ड तो बड़ी आस सी, गोल्ड तो हथों चले गया। चलो बच्चों ने आख्या डैडी तुहानू ब्रॉन्ज मैडल देंगे लिया के, बाकी करन वाला तो मालक आ, बच्चे कहते भी करन वाले मालक ने। मैं बड़ी आस है भी गोल्ड मैडल अपना ब्रॉन्ज मैडल लैके जावे देश नूं। देखो जी जदों दा मैच शुरू होया मैं तो वाहिगुरु अगे अरदास बेनती करती हूँ, इसलिए मैं सारी टीम को शुभकामना देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बड़ी खुशी की बात है तो जो जमीन पर पैर नहीं लग रहे। काफी मेहनत करनी पई इत्थे तक पहुंचण लई तुहानूं। बहुत अच्छा लग रहा है कि इंडिया जीत गई और इनका इतना अच्छा परफॉर्मेंस था तो इन्हें ब्रॉन्ज मेडल तो जीतना ही था जी। और इन लोगों ने बहुत अच्छा खेला है आज और सारी टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है जिसकी वजह से आज इन्हें ब्रॉन्ज मेडल जीतना था और हम लोग बहुत खुश है कि इंडिया के पास एक अनदर ब्रॉन्ज मेडल आ गया टेली में। जी बिल्कुल, ये हमारे लिए कहते हैं जख्म पे मरहम लगना। इन लोगों ने फाइनली एक मेडल लाया जो कि हम बहुत खुश हैं और अभी हम रोने वाले हैं। कांग्रेचुलेशन सुमित भाई, कांग्रेचुलेशन सर। बोलो सर, हमारे साथ है सुमित भी है, सुमित से बात करने की कोशिश जरूर करेंगे। सुमित क्या कहेंगे कि बहुत बहुत बधाई है आपको। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत बहुत बधाई भाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं एज अ ब्रदर, एज अ मतलब बड़ा भाई हूँ, एक पिता समान हूँ। मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बड़ा भाई मेरे इस लेवल पे जाके खेल रहा है और मेडल लेके आया है। और इसके लिए मैं अपने एकेडमी जो हमारे कोच साहब हैं इनका भी बहुत बड़ा हाथ है जिन्होंने हमें हॉकी पकड़ना सिखाया है। सो मैं बहुत आभारी हूँ। Cannot express the pride and joy that I feel now. Achieving a bronze medal for India in the retirement match is truly a reward for his passion and dedication for hockey. And I'm actually speechless. We all are proud of him. He had made us happy in so many unforgettable moments. We all are proud of him. एक्साइटिंग भी था और बड़ा डरावना भी था क्योंकि लास्ट सेकंड में भी स्पेन को बहुत पेनल्टी कॉर्नर मिले। खैर जैसे कहते हैं ना कि जो हुआ अच्छा हुआ और भारत